हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकस्टर और मैं प्रियदर्श। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक बेसिक बाइक और एक प्रीमियम बाइक के बारे में और क्या है उनके कॉस्ट, और आपके कुछ सवाल थे कि क्यों प्रीमियम बाइक इतनी कॉस्टली होती है, क्या उसका मटेरियल होता है, वो किस टाइप की होती है, कैसी दिखती है। तो हम अभी हैं एनसाइक्लोपीडिया में और मिलते हैं अनिरुद्ध से और जायंट की SLR 1 के बारे में जानते हैं। अनिरुद्ध, ये बताइए कि ये है प्रीमियम बाइक, तो इसमें से कौन सी चीज़ें होती है जिसके कारण इसका जो रेट है वो इतना ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये जो बाइक है इसका प्राइस है 5,70,000, तो इसके बारे में बताइए। देखिए प्रियदर्श, ये बाइक जो है ना, ये सिर्फ प्रीमियम नहीं है, ये सुपर 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 प्रीमियम बाइक है। जिस इंसान ने कभी बाइसिकल नहीं भी चलाई है वो इंसान भी इस बाइसिकल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकता है। ये है इस बाइसिकल की खासियत। वजन में बहुत कम है। देखिए, बाइसिकल में साइंस दो चीज़ों का होता है, हवा का दबाव कैसे कम करे और जो व्हील का जो रोलिंग है या रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कम करे। तो ये दोनों जो ये पैमाने हैं, इन पैमानों पे ये बाइसिकल 100% खड़ी उतरती है, एकदम फास्ट रहेगी। 7.5 किलो का इसका वजन है लगभग, ठीक है। कार्बन व्हील्स है, अगर इसका व्हील अगर एक बार घुमाने शुरू कर दोगे आप तो वो एक एक मिनट रुकता नहीं है, अपना इनर्शिया होल्ड करता है, कंटिन्यूसली रोल करता है, ठीक है। हाईली एरोडायनेमिक है, बहुत तेज जाएगी ये बाइसिकल। कार्बन फ्रेम है, कार्बन सीट पोस्ट है, हर चीज़ कार्बन की है। बारिंग जहाँ जहाँ फ्रिक्शन है वो चीज़ छोड़ के सारी चीज़ें इसमें कार्बन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग है, इसमें वायर ही नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के लिए जो वायर लगते हैं उतना ही वायर है। और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वायर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। फ्रेम में आप देख रहे हो, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है फ्रेम में, ठीक है। इसमें एक सिंगल बोल्ट फ्रेम है। दूसरा, इसमें जो गियर सिस्टम लगा हुआ है वो शिमानो कंपनी के ऑफर किए हुए गियर सिस्टम में का सबसे टॉप मोस्ट है। 11 स्पीड बाइक है और बहुत बहुत ज़्यादा तेज चलेगी। इसकी हब की क्वालिटी आप देख सकते हो, अगर आप इसको रोल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रुकती नहीं है। और ये जो प्यारी सी आवाज़ इसमें से आ रही है, जब ये रोड पर हिट करेगी बाइसिकल तो इतना तेज जाएगी ये बाइसिकल कि एक रीजनेबल राइडर को ये सुपरस्टार बना देगी। इसमें दोनों व्हील में डिस्क है, हाँ, ये डिस्क ब्रेक्स हैं दोनों व्हील्स में इसमें, और ये इनडेप्थ कार्बन व्हील्स है, ये इतनी डेप्थ है। तो जितना ज्यादा डीप रहेगा व्हील उतना ज्यादा वो एरोडायनेमिक रहेगा। इसमें जो स्पोक्स लगे हुए हैं वो ब्लेड स्पोक्स हैं, यानी कि पत्तियां हैं, गोल नहीं है। तो ये हवा काटने में हेल्प करती है। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हवा काटने में हेल्प करने वाली है। इसका मतलब ये हाईली एरोडायनेमिक बाइक है और ये जायंट की एरो बाइक में आती है। अच्छा, और ये ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस टायर है? ये ट्यूबलेस टायर है इसमें, और इसमें सीलेंट होता है। अगर ये बाइसिकल में हल्का फुल्का पंक्चर भी हो जाता है तो ये अपने आप सील कर देता है इसको। तो चलिए मिलते हैं बाइक ओनर से जिन्होंने ये बाइक ली है। उनका नाम है संदीप जवनजाल। सो आफ्टर राइडिंग 10 ईयर्स आई थॉट कि लेट्स गो फॉर द मोस्ट प्रीमियम बाइक इन द मार्केट। दिस इज द एरो बाइक फ्रॉम जायंट। इसकी राइड लेने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? टू मच जस्ट आई एम जस्ट कांट होल्ड माई ब्रेथ टू राइड। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू।